हाल ही में सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सलमान खान ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि शूटिंग के बाद वो बलात्कार की शिकार महिला की तरह महसूस करते थे। अपने इस बयान को लेकर वो बड़े विवादों में फंस गए हैं, जिस पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इस मामले के बारे में जब इंडस्ट्री के लोगों और एक्ट्रेसेस से पूछा गया तो सभी स्टार्स ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने इस विवाद पर कुछ नहीं कहा है। शायद वो सब सलमान से पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए डर के मारे वो कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं। बयान पर मचे बवाल के बाद उनके पिता सलीम खान ने ट्वीट कर माफ़ी मांग ली है। सलीम खान ने लिखा है, मैं अपने परिवार, अपने प्रशंसकों और दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। इंसान से ही गलती होती है और उसे ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर सलमान मिस कोटेड नाम का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस विवाद पर सलमान का बचाव करते हुए उनके फैंस ने कहा है कि सलमान खान के बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है और सिर्फ आधे अधूरे बयान को दिखाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।